चलिए रीडिंग करना स्टार्ट कीजिए। यहाँ से एक बार फिर से स्टार्ट करेंगे थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर से, क्योंकि यहाँ से ज़्यादा कन्फर्म होगा, कुछ बच्चे नए भी हैं। पढ़ो थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर। थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर। देयर आर थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड लिक्विड एंड गैस। सॉलिड, सॉलिड वॉल्यूम एंड शेप। इन सॉलिड्स पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड एंड दे हैव वेरी लेस स्पेसिंग बिटवीन देम। इन सॉलिड्स पार्टिकल्स ओनली वाइब्रेट एट देयर पोजिशन एंड दे हैव लेस काइनेटिक एनर्जी। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ द सॉलिड्स इज वेरी स्ट्रॉन्ग। एग्जाम्पल स्टोन, वुड, ब्रिक, आइस, शुगर, सॉल्ट, कोल एक्सेट्रा। ओके, तो ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात मैंने बताई इसमें कि इन सॉलिड्स पार्टिकल आर वाइब्रेट अबाउट। तो बच्चे सोचते हैं कि सॉलिड में पार्टिकल फिक्स पोजीशन पे हुआ करते हैं। नहीं नहीं बच्चों, ये पार्टिकल जो होते हैं ना अपनी मीन पोजीशन पे डू 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 वाइब्रेट करते रहते हैं। ये बात पास पास होते हैं और इनके पास ये इतना कम वाइब्रेशन करते हैं, मतलब इनके पास जो काइनेटिक एनर्जी होती है बहुत लेस होती है। इनसे ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है लिक्विड के पास में, और सबसे ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है गैसेस के पास में, इसलिए गैसेस के पार्टिकल बहुत तेज़ी से भागते हैं। सॉलिड के एग्जांपल तो आप लोग जानते ही हो। ओके, और याद रखिएगा कि सॉलिड में इंटर एटॉमिक अट्रैक्शन जो होता है एटम्स के बीच का, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। जो पार्टिकल के बीच का मैटर का जो पार्टिकल होते हैं ना एटम हुआ करते हैं, उनके बीच का जो अट्रैक्शन होता है बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। अगला पढ़ो बेटा लिक्विड। लिक्विड, लिक्विड्स हैव फिक्स्ड वॉल्यूम बट इनडेफिनाइट शेप। इन लिक्विड्स देयर इज अ वीकर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड मोर स्पेसिंग बिटवीन द पार्टिकल्स। हाँ, पार्टिकल के बीच की जो स्पेसिंग होती है लिक्विड में कंपेरेटिवली थोड़ी सी ज़्यादा होती है, इसलिए लिक्विड को आप दबा सकते हो, लिक्विड को कंप्रेस कर सकते हो। आपने देखा होगा कि हमारी जो गाड़ियाँ होती हैं, गाड़ियों में लगे होते हैं शॉकअप, और उन शॉकअप के अंदर क्या भरा होता है, ऑयल भरा होता है। तो जब कभी भी हमें जर्क लगता है गाड़ी में बैठ करके, तो वो शॉकअप अंदर की ओर दब जाते हैं और अंदर ऑयल भरा होता है। तो बच्चों होता क्या है कि ये लिक्विड जो होता है ना थोड़ा सा कंप्रेस हो जाता है और उसके बाद वापस ये रीएडजस्ट हो जाता है। तो इसकी वजह से थोड़ी सी लिक्विड में कंप्रेसिबिलिटी ज़्यादा होती है, बट है ना, लिक्विड में कंप्रेसिबिलिटी ज़्यादा हुआ करती है। पढ़िए, इन लिक्विड्स पार्टिकल, यस प्रगति, यस यस सर। इन लिक्विड पार्टिकल्स कैन मूव अराउंड एंड हैव हाई काइनेटिक एनर्जी। एग्जांपल मिल्क, वाटर, पेट्रोल, केरोसिन, अल्कोहल, ऑयल एक्सेट्रा। गैस, गैस, गैसेस हैव इनडेफिनाइट शेप एंड वॉल्यूम। पार्टिकल्स ऑफ गैसेस हैव वेरी लार्ज स्पेसिंग एंड वेरी वीक अट्रैक्शन बिटवीन देम। पार्टिकल्स ऑफ गैसेस मूव अराउंड वेरी इजीली एंड हैव वेरी हाई काइनेटिक एनर्जी। एग्जाम्पल एयर, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेट्रा। एग्जैक्टली, तो गैसेस के पार्टिकल के बीच में काफ़ी जगह होता है और वो फ्री होते हैं मूव करने के लिए। लिक्विड के पार्टिकल उतने फ्री नहीं होते हैं, मगर ये तो बहुत ही ज़्यादा फ्री होते हैं। तो इनके पास जो काइनेटिक एनर्जी होती है बहुत ज़्यादा होती है, बहुत फास्ट मूविंग इनके एटम्स हुआ करते हैं जो कि फ्री फ्री एकदम घुमा करते हैं। ओके, गैसेस पार्टिकल मूव अराउंड वेरी इजली एंड हैविंग हाई काइनेटिक एनर्जी। एग्जाम्पल आपने देखी दुनिया भर की गैसेस। ओके, नाउ प्रॉपर्टी ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। अब हम डिफरेंट स्टेट की हम प्रॉपर्टी को पढ़ते हैं। नंबर वन, पहली प्रॉपर्टी है फिलिंग कंटेनर। पढ़िए बेटा। यस ऋषिका, कुछ बोल रही हो? सर, हाँ, जिन ऑब्जेक्ट के पास ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है वो ज्यादा तेज मूव करते हैं। एग्जैक्टली, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है ऋषिका? अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू होती हाफ एम वी स्क्वायर। वी क्या होती बेटा? स्पीड। तो जिनकी ज़्यादा स्पीड होगी उनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी। बिल्कुल सही बात है। तो जिनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी उनकी स्पीड ज़्यादा होगी, या कह लो जिनकी स्पीड ज़्यादा होगी उनकी काइनेटिक एनर्जी भी ज़्यादा होगी। तो नोट कर लो, है ना, कि काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होने से स्पीड भी ज़्यादा होती है। पढ़िए बेटा प्रॉपर्टीज ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। फर्स्ट, फिलिंग कंटेनर। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टाइनी पार्टिकल्स एंड गैसेस इज वेरी लेस। सेकेंड, ड्यू टू दिस दीज पार्टिकल्स कैन इजीली मूव अवे फ्रॉम ईच अदर एंड थस फिलिंग द कंटेनर। इन सॉलिड्स एंड लिक्विड्स द अट्रैक्शन फोर्स इज सफिशिएंट इनफ फॉर नॉट लेटिंग द पार्टिकल्स मूव अवे फ्रॉम ईच अदर। हाँ, ये गैस की प्रॉपर्टी के बारे में बताया गया है। ये प्रॉपर्टी ऑफ गैस है कि फिलिंग कंटेनर, अगर हम फिलिंग कंटेनर को फिल करने की बात को देखें, कि कोई अगर आपके पास कोई कंटेनर रखा हुआ है, तो मतलब ये सारे मैटर की हम प्रॉपर्टी के बारे में बात कर रहे हैं। तो जैसे मान लो ये कोई कंटेनर, तो इस कंटेनर को सबसे पहले कौन फिल करेगा? सॉलिड करेगा, लिक्विड करेगी या गैस करेगी? तो सबसे जल्दी जो कंटेनर को फिल करने का काम है बेटा, वो करेगी गैस। बेटा चेयर निकाल लो। तो जो गैस होती है ना, वो इंटायरली फैल जाती है किसी कंटेनर के भीतर। यार गैस जो होती है वो पूरे तरीके से फैल जाती है। बेटा तो गैस जो होती है पूरे तरीके से फैल जाती है, इसलिए कंटेनर को फिल करने का सबसे बढ़िया काम जो है वो गैस करेगी।
युवराज बुक्स उठाओ बेटा इधर से। तो गैस को फिल करने का काम जो है कौन करेगी, सबसे बढ़िया काम किसी कंटेनर को फिल करने का गैस करेगी। ओके, क्योंकि गैस के जो एटम होते हैं वो बहुत फ्री होते हैं और वो ईजिली मूव करते हैं, एक दूसरे से आराम से दौड़ भाग मचाते हैं, यहाँ जहाँ जाते हैं, है ना, इसलिए गैस को आराम से ये कंटेनर को फिल कर लेती है। तो लिखा हुआ है द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टिनी पार्टिकल एंड गैसेस इज वेरी लेस ड्यू टू दिस पार्टिकल कैन ईजिली मूव फ्रॉम द ईच अदर एंड दस कैन फिलिंग द कंटेनर। कंटेनर को ये लोग बड़े आराम से भर लेते हैं। अब आप सोचते होगे कि यार अब आप ये लोग सोचते होगे कि सर जो गैस है मैम पानी डालेंगे सर तो पानी पहले नीचे भरेगा फिर ऊपर भरेगा। बेटा देखो गैस में ऐसा नहीं होता है ना, गैस जो होती है ना गैस के मॉलिक्यूल दूर दूर रहते हैं, ऐसे नहीं कि चिपक करके रहते हैं तो कहीं ऐसे नीचे से भरना शुरू हो। गैस के मॉलिक्यूल पूरे कमरे में, आप एक अगरबत्ती लगा दो कमरे में, पूरे कमरे में गैस के मॉलिक्यूल भर जाएंगे। ये थोड़ा ना कि गैस के मॉलिक्यूल नीचे जाएंगे पहले, नो 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 ऐसा नहीं होगा, गैस के मॉलिक्यूल पूरे में भर जाएंगे। तो ये प्रॉपर्टी होगी गैस की। अब पढ़ते हैं शेप एंड वॉल्यूम। यार शेप का मतलब क्या होता है, वॉल्यूम का मतलब क्या होता है? शेप का मतलब होता है आकार, हिंदी में लिख लो, शेप का मतलब होता है आकार। और वॉल्यूम मतलब क्या होता है, वॉल्यूम मतलब घेरने, घेरे जाने वाली जगह, घेरे जा सकने वाली जगह, वॉल्यूम का मतलब होता है घेरे जा सकने वाली जगह। तो एक चीज़ तो आपको फिक्स है, मैं बोलूँगा सॉलिड के बारे में बताओ तो आप बोलोगे सर देखो जो सॉलिड का शेप होता है ना सर वो आप हमें दोगे। सॉलिड का शेप भी फिक्स होता है और सॉलिड का वॉल्यूम भी फिक्स होता है। मैं बोलूँगा लिक्विड तो बोलोगे सर लिक्विड का जो शेप होता है ना वो फिक्स नहीं होता है। क्यों सर? आप अगर मेरे को लिक्विड मिल्क दे दो, मिल्क को आप मेरे को जिस टाइप के बर्तन में दोगे मैं उस टाइप का शेप आ जाएगा। हाँ जी बिल्कुल सर, हाँ वॉल्यूम फिक्स होगा सर। अगर आप मेरे को एक लीटर मिल्क दोगे तो चाहे मैं यहाँ पर अपने छत में जाके उसको कटोरे में भरूँ या ज़मीन पे कटोरे में भरूँ उसका वॉल्यूम एक लीटर ही होगा। तो वॉल्यूम फिक्स होता है। अब गैस की बात करते हैं। अरे बच्चों गैस, गैस का ना तो शेप फिक्स होता है और ना ही वॉल्यूम फिक्स होता है। तो इसका ना तो शेप फिक्स है और ना तो वॉल्यूम फिक्स है, तो इसके बारे में कुछ भी फिक्स नहीं है। चलो तो एक बार पढ़ दो भाई, शेप एंड वॉल्यूम पढ़ो प्रगति। शेप, प्रगति आर यू देयर? प्रियांशी रीड करो। यस सर। शेप, ड्यू टू लेस अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन पार्टिकल्स, पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड एंड गैस कैन इजीली मूव अराउंड, दस दे कैन टेक एनी शेप एज पर द कंटेनर। तो लिख लो भाई शेप के बारे में कि गैस और लिक्विड का शेप जो होता है वो एज पर कंटेनर सेट होता है। जैसा आप कंटेनर दोगे वैसा आपको शेप मिलेगा। ओके वो लिखो, शेप ऑफ द गैस एंड लिक्विड इज एज पर एज कंटेनर। लिखो शेप ऑफ गैस एंड लिक्विड। बेटा ये फाइल ओपन करके उसको दे दो उसमें मोबाइल में। शेप ऑफ द गैस एंड लिक्विड जो होता है शेप वो कंटेनर के बेस पे होगा। जैसा कंटेनर होगा उसका शेप होगा, ठीक है ना? जैसे नहीं शेप से बता रहे हैं, ठीक है। शेप ड्यू टू लेस अट्रैक्शन ऑफ फोर्स बिटवीन द पार्टिकल, पार्टिकल ऑफ लिक्विड एंड गैस ईजिली मूव अराउंड, क्योंकि इसमें बीच में अट्रैक्शन बहुत कम होता है इसलिए ईजिली ये चले जाते हैं, इसकी वजह से दे कैन टेक एनी शेप एज पर द कंटेनर। अब पढ़ते हैं वॉल्यूम के बारे में। पढ़ो, हाँ पढ़ो बेटा प्रियांशी वॉल्यूम। Gases have so little attraction among particles that they can easily change shaping between themselves, so they can easily change their volume. In liquids, attraction force is large enough so that spacing between particles does not change easily. So liquid has fixed volume and same with solids. Okay, देखिए पहला क्या दिया है? Gases have so little attraction among particles that they can easily change their spacing between themselves, so they can easily change their volume. तो भाई मोटा मोटी बात ये होती है कि गैस का वॉल्यूम क्या होगा, आप गैस को जिस कमरे में रखोगे जिस वेसल में रखोगे वो पूरे में फैल जाएगी। मतलब गैस का वॉल्यूम फिक्स नहीं होता है, गैस जिस वेसल में रखोगे उसका वॉल्यूम ले लेती है। तो लिख लो कॉपी में, वॉल्यूम ऑफ द गैस इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द वेसल, वॉल्यूम ऑफ द गैस इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द वेसल। ओके, तो गैस जो होती ना जिस कंटेनर में रखोगे उसका वॉल्यूम ले लिया करती है।
भाई सॉलिड का अट्रैक्शन तो जबरदस्त होता है, तो सॉलिड ना अपना शेप चेंज कर सकता है ना अपना वॉल्यूम बदल सकता है। सॉलिड का शेप भी फिक्स है, वॉल्यूम भी फिक्स है। अब बात कर लेते हैं लिक्विड की। देखिए, इन लिक्विड अट्रैक्शन फोर्स इज वेरी लार्ज इनफ सो दैट स्पेसिंग बिटवीन द पार्टिकल डू नॉट चेंज ईजिली, सो लिक्विड हैज़ अ फिक्स वॉल्यूम एंड सेम विद अ सॉलिड। जो लिक्विड के एटम्स होते हैं ना, इनके बीच में बहुत बढ़िया बॉन्ड होता है, अट्रैक्शन का बॉन्ड होता है। इसकी वजह से ये अट्रैक्शन होने की वजह से, अट्रैक्शन इनके बीच में बहुत ज़्यादा है, तो इसकी वजह से इनके एटम्स दूर नहीं जा सकते। इसलिए लिक्विड जो होता है वो एक डेफिनेट शेप लेता है कंटेनर की। तो लिखा हुआ है, इन लिक्विड अट्रैक्शन फोर्सेज लार्ज इनफ सो स्पेसिंग बिटवीन पार्टिकल डू नॉट चेंज ईजली, सो लिक्विड हैज़ अ फिक्स वॉल्यूम एंड शेप विद सॉलिड्स। तो जो लिक्विड का और सॉलिड का शेप होता है वो क्या होता है, फिक्स होता है। लिखो, फॉर लिक्विड एंड सॉलिड्स देयर शेप आर फिक्स्ड। सवाल करते ना, कहीं कोई डाउट हो वो पूछिएगा। ओके, प्रगति वापस आ गए। ए लिक्विड्स अट्रैक्शन फोर्स इज लार्ज इनफ सो दैट स्पेसिंग बिटवीन द पार्टिकल इज नॉट चेंज ईजली, सो लिक्विड हैज अ फिक्स वॉल्यूम एंड सेम विद अ सॉलिड। तो लिक्विड का और सॉलिड का क्या होता है, वॉल्यूम फिक्स होता है। सॉलिड कैन चेंज शेप अप्लाइंग देयर फोर्स, सॉलिड्स कैन चेंज शेप ऑन अप्लाइंग द फोर्स, लिक्विड एंड गैसेस डू नॉट नीड फोर्स टू अप्लाई चेंज देयर शेप। देखो भाई, अगर आपके पास कोई सॉलिड रखा हुआ है तो उसके शेप को बदलने के लिए आपको फोर्स लगाना पड़ेगा। जैसे मान लो ये कोई आयरन का बार रखा हुआ है, ये कोई आयरन का बार रखा हुआ है, तो उसको जो है आपको आयरन के बार का शेप चेंज करने के लिए आपको फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। बट अब मैं कहूँ गैस का शेप चेंज करो, अरे यार तो गैस में कहाँ से फोर्स लगाओगे, हवा में मुक्का मारोगे फोर्स थोड़ा ना लगेगा। तो इसलिए आप गैसेस का और लिक्विड का शेप चेंज नहीं कर सकते हो, है ना, बट आप सॉलिड का फोर्स लगा के शेप चेंज कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट, सम सॉलिड्स हैव गैस इनसाइड देम सो दे कैन बी इजीली स्क्वीज्ड इनटू चेंज देयर शेप। हाँ बेटा बोलो। सर जैसे जो जेलीज आती हैं। हाँ मैं उसी की बात कर, हाँ जेलीज, देखो एक्चुअली जो जेलीज होती है वो लिक्विड फॉर्म में होती है। जेलीज का जो फॉर्म होता है वो लिक्विड हुआ करता है, समझ गए ना। बट सर उनका तो डेफिनेट शेप होता है। क्यों, जेलीज में फोर्स लगा करके, जेलीज का, जेलीज में जो फोर्स की वैरायटी होती है वो दूसरी हुआ करती है। अब यदि आप यहाँ से कंपेयर कर रहे हो, सॉलिड कैन चेंज देयर अप्लाइंग फोर्स, देखो जेलीज को अगर आप साइंस की लैंग्वेज में देखोगे ना, तो जेलीज का जो फोर्स आएगा, जेली का जो फोर्स माना जाएगा वो जेली को सॉलिड माना जाएगा। जैसे आप खाना खाते हो, एग्जाम्पल के लिए बटर ले लो, बटर है, तो बटर को जो है लिक्विड नहीं बोलोगे, बटर को पिघला दोगे तो वो लिक्विड भले बन जाएगा, बट आप बटर की जो शेप लोगे ना वो सॉलिड लोगे। क्योंकि अगर अगर सॉलिड नहीं होती तो क्या बहने लगता ना, लिक्विड बहता है भाई, लिक्विड फ्लो करता है। तो जेली बहती है क्या, नहीं बहती ना। तो साइंस में जो चीज़ बहे, फ्लोइंग वाली की बात अलग है, फ्लोइंग वाली जेली कहाँ खाली भाई, हाँ हाँ ठीक है, पिघला के खाली होगी, फ्लो कर गई होगी। तो भाई जो जेली हुआ करती है वो बहती तो नहीं है वैसे, तो जेली का जो शेप माना जाएगा वो ऋषिका सॉलिड माना जाएगा। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। yes, हाँ, जेली को गर्म कर दो तो वो फ्लो हो जाएगी। अब कैडबरी है भाई, लो कैडबरी डेयरी मिल्क आती है ना, कॉफ़ी वाली चॉकलेट्स आती हैं, अब सबकी सब सॉलिड है, इवन फ्रिज में रख के लाओ तो ज़बरदस्त सॉलिड है। अब तुम उनको आइस, यार आइस का बेस्ट एग्जाम्पल है, आइस क्या है, सॉलिड है। अब आइस को पिघला दो तो वाटर बन जाएगा, वो लिक्विड बन जाएगा। तो है तो ये गर्म कर दो तो गैस बन जाएगी। हाँ, और गर्म कर दोगे तो गैस बन जाएगी, है ना। तो सॉलिड कैन चेंज देयर शेप बाय अप्लाइंग फोर्स। सॉलिड, अब आइस को आप घूंसा मार दो बहुत जोरदार तरीके का तो आइस टूट फूट जाएगा, तो उसका शेप बदल जाएगा। लिक्विड का और गैस का आप शेप बदल नहीं सकते। नेक्स्ट पॉइंट, सम सॉलिड हैज गैस इनसाइड देम सो कैन बी ईजिली स्क्वीज चेंज देयर शेप, स्क्वीज टू चेंज देयर शेप। अब जैसे आपने देखा होगा फोम, वो गद्दे वाला फोम जो होता है, अब गद्दे वाला फोम बह तो रहा नहीं है ना भैया, बहता तो नहीं है कि अपन ने गद्दा रखा, गद्दा बहता हुआ पड़ोसी के घर में पहुंच गया, ऐसा तो होता नहीं है। तो गद्दे में क्या होते हैं, छोटे 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 एयर पोर्स हुआ करते हैं, इनके बीच में क्या रहती है, एयर रहती है। इसके वजह से आप इनको
क्या कर सकते हो, स्क्वीज कर सकते हो, इनको आप दबा सकते हो. तो लिखा है सम सॉलिड हैज गैस इनसाइड देम सो दे कैन बी इजिली स्क्वीज टू चेंज देयर शेप. हाँ फोम, एग्जाम्पल फोम हो गया, इसको दबा करके वो आपकी फोम हो गया, वो आपकी स्माइली बॉल हो गई, इनको आप दबा करके इनका शेप बदल सकते हो, बदल सकते हो ना. हाँ नेक्स्ट, स्पॉन्जेस हैव मैनी स्मॉल एयर, वही बात है, इस फोम को क्या बोलते हैं अपन लोग, स्पॉन्ज है ना. स्पॉन्ज का शेप कैसे बदलेगा? स्पॉन्ज स्माइली बॉल का शेप, तो उसमें पानी भर जाएगा और इसको स्क्वीज कर देंगे तो शेप तो वैसे ही आएगा ना वापस. वापस की बात मत करो, जब तक फोर्स लगाए हो तब तक की बात करो. बस तो उसका शेप चेंज हुआ रत्ती भर की नहीं हुआ, बस हो गया उतनी की बात कर रहे हैं. तो स्पॉन्जेस हैव मैनी स्मॉल एयर फिल्ड होल्स, व्हेन वी स्क्वीज देम एयर फ्रॉम दीज होल्स कैन कम आउट एंड चेंजिंग देयर शेप ऑफ स्पॉन्ज. जैसे ही हम स्पॉन्जेस को दबाते हैं तो इनके अंदर जो एयर भरी होती है वो बाहर आती है और उस एयर के बाहर आने की वजह से इसका शेप चेंज हो जाता है. अब बच्चों नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, कंप्रेसिबिलिटी एंड रिजिडिटी. कंप्रेसिबिलिटी पढ़ो समृद्धि, कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है? स्पेसिंग, स्पेसिंग बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ गैसेस कैन बी डिक्रीज्ड सो गैसेस हैव हाई कंप्रेसिबिलिटी बट स्पेसिंग बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड्स और लिक्विड्स कैन नॉट बी डिक्रीज सो दे कैन नॉट बी कंप्रेस्ड. देखो भाई बड़ी अच्छी बात बताई यहाँ पर समृद्धि ने कि देखो जी सर जी क्या होता है कि जो गैस के पार्टिकल हुआ करते हैं इनके बीच में गैप होता है. अब आप गैस के पार्टिकल को लेकर के आप दबाना शुरू करोगे, आप गैस के पार्टिकल इनको दबाना शुरू करोगे तो क्या होगा, इनके बीच में गैप कम हो जाएगा. तो गैप कम हो जाएगा तो इसलिए आप क्या करोगे, गैस क्या 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 कहोगे कि ये जो है कंप्रेस हो गई, ये क्या हो गई, कंप्रेस हो गई. तो गैस ज़बरदस्त कंप्रेसिबल होती है बच्चों, और इसी कंप्रेसिबिलिटी का फ़ायदा उठाने के लिए अपन सबसे पहली बार याद करो मेले वगैरह में जाते ना तो मिक्की माउस वाला एक झूला रहता है उसमें हवा रहती, क्या बोलते उसको, एयर पिलो, क्या बोलते उसको, एयर पिलो बोलते हो, वो एक बड़ा सा वो हवा भरी रहती है उसमें और उसमें बच्चे लोग जंपिंग किया करते हैं है ना, मिकी माउस वाला. हाँ तो उसमें अपन लोग कूदा करते हैं, वो बड़ा पसंद आया करता रहा बचपन में है ना, तो उस पर कूदा. हाँ तो वो क्यों, उसमें क्यों मज़ा आता है, क्योंकि बेटा उसके अंदर एयर होती है और एयर जो होती है ना कंप्रेस हुआ करती है, इसलिए जहाँ पर आप कूदते हो वहाँ की एयर दब जाती फिर वापस आती तो आपको मज़ा आता है. अब सोचो अगर इसके अंदर लोहे भर दे, लोहे का पाउडर भर देता या आयरन भर दिए गए होते फिर तो सबके सिर फूट जाते ना, फिर तो मज़ा नहीं आता. तो क्या है एप्लीकेशन, कंप्रेस जो गैस होती है वो बहुत ज़्यादा कंप्रेस हुआ करती है, समझ गए ना. अब आइए बात करते हैं तो कंप्रेसिबिलिटी के एप्लीकेशन क्या है, एप्लीकेशन ऑफ कंप्रेस्ड गैस. पढ़ो बेटा पहला पहला एप्लीकेशन पढ़ो. हाँ याद रखना कि भाई ये बैलून में जो एयर बैलून होता है जो ऊपर की तरफ भागता है उसमें कौन सी गैस भरी जाती है, कंप्रेस्ड हीलियम गैस, समझ गए ना. अगली जो हम लोग घर में सिलेंडर जलाते हैं उसमें कौन सी गैस भरी जाती है, हाँ वो सीएनजी है, खैर लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, अपन लोग एलपीजी वाले हैं. सीएनजी आपने देखे होंगे जो आजकल ऑटो आते हैं स्पेशली दिल्ली में ग्रीन कलर के ऑटो जो चलते हैं उनमें सीएनजी फिल की जाती है इन सिलेंडर विच आर यूज इन व्हीकल्स है ना. तो व्हीकल्स में आपके सीएनजी का इस्तेमाल किया जाता है. लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जो होती है एलपीजी उसका इस्तेमाल होता है सिलेंडर में और उससे हम क्या करते हैं, कुकिंग करते हैं. चलिए अगली प्रॉपर्टी बच्चों कॉपी में लिखिए मटेरियल की, रिजिडिटी. अगली प्रॉपर्टी लिखिए बच्चों रिजिडिटी. हाँ जी बेटा बोलो. सर जो पेट्रोलियम जेली आती है वैसलीन या फिर लिप बम्स वगैरह उनको अपन किस स्टेट में लेंगे? देखो लिक्विड पेट्रोलियम जेली जब तक शेप के भीतर है तो वैसे तो जेल फॉर्म है, वो सबके सब जेल फॉर्म है, मगर हमारे सिलेबस के अंदर उन सबको हमें सॉलिड मानना है, समझ गए ना, सॉलिड मानना है क्योंकि वो फ्लो नहीं कर सकते बेटा. जब तक कोई चीज़ फ्लो नहीं कर सकती, बह नहीं सकती, तब तक उसको अपन सॉलिड मानेंगे. तो जो जितने भी लिक्विड पेट्रोलियम जेलीज हैं वो डिब्बे के अंदर होते हैं, समझ गए ना. और डिब्बा उल्टा कर दो, सो लिक्विड पेट्रोलियम जेली का डिब्बा उल्टा कर दो तो क्या वो गिर जाती कि नहीं गिरती? नहीं सर नहीं गिरती है तो वो सॉलिड फॉर्म में ही माना जाएगा. ओके बाकी होते कौन सी फॉर्म में, जेल फॉर्म में. तो आगे की पढ़ाई में उनकी फॉर्म आप दूसरी पढ़ोगे बट राइट नाउ अभी अपन उसको जेल फॉर्म में पढ़ेंगे. तो अगली प्रॉपर्टी लिखो रिजिडिटी. कौन बताएगा रिजिडिटी क्या होता है, बताओ भैया रिजिडिटी के बारे में कोई अंतर. हार्डनेस, बिल्कुल सही. रिजिडिटी मतलब हार्डनेस, मतलब फोर्स लगाने पर भी टस से मस ना होना, समझ गए ना, जिसको कोई असर ना पड़े दैट इज कॉल्ड रिजिडिटी, समझ गए ना. तो जिसको कोई असर ना पड़े उसको बोलते हैं अपन रिजिडिटी. तो व्हाट इज रिजिडिटी, पढ़ो बेटा पढ़ो.
इट इज इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ सब्सटेंस टू रेसिस्ट एनी डिफॉर्मेशन लाइक चेंज इन द शेप बीइंग कंप्रेस्ड एक्सेट्रा. सॉलिड्स हैव हाई रिजिडिटी, लिक्विड्स हैव लेस रिजिडिटी एंड गैसेस हैव मोर रिजिडिटी. हाँ, मतलब फोर्स लगाने का, डिफॉर्मेशन मतलब बदलाव ना आए, बदलाव ना लाने की प्रॉपर्टी को हम रिजिडिटी बोलते हैं. अब आंख मूंद करके सोचो कि सबसे ज़्यादा रिजिड कौन होता है, सॉलिड, लिक्विड या गैस? सॉलिड. सही बात है, सॉलिड में रिजिड का फ़र्क नहीं पड़ेगा. ईंट है, ईंट पे घूंसा मार दो, आपका घूंसा शेप चेंज कर लेगा मगर ईंट कोई शेप चेंज नहीं लेगा क्योंकि वो रिजिड है. हाँ ठीक है, तुम तोड़ दोगी, वेरी गुड. ठीक है ना, तो ईंट को जमीन से मारो तो ईंट तो टूट जाती है. हाँ, तो शेप बदला क्या? टूट गई ना, ब्रेक हो गई, बट टूटी टूटी टूट गई ना, शेप चेंज होगी क्या? ईंट को घुसा मारा, ईंट गोल जाएगी क्या समृद्धि? बट उसके पार्टिकल्स तो फॉर्म. भाई भाई मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं शेप चेंज करने की बात कर रहा हूँ, मैं ब्रेक करने की बात नहीं कर रहा हूँ. क्या वो घुसे मारने पर वो गोल हो जाएगी? नहीं, नहीं होगी ना, तो इसलिए क्या है? वो रिजिड है. क्या है वो? रिजिड है. और तोड़ने के लिए भी आपको लेकिन अगर अपन किसी मेटल को लें तो कई मेटल्स को तो जोर जोर से पीट पीट के ही उनके शेप में लिया जाता है, तो वो सॉलिड हाँ, होते हैं. देखो दो चीजें होती हैं. अब यहाँ पर आप कंपैरिजन जो कर रहे हो ना, वो लिक्विड और गैस से कंपैरिजन कर रहे हो. अब ये यहाँ पर ऋषिका ने सवाल पूछा है कि सर आप रिजिडिटी कहते हो, ये जो आपके सोने चांदी होते हैं या लोहे की चादरें होती हैं सर, उसको तो पीट पीट करके ही बड़ा कराया जाता है, फिर ऐसे तो सर रिजिड नहीं हुए. नहीं 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 देखो, अब अगर आप सॉलिड में आपस में कंपैरिजन कर रहे हो कि स्टील है, गोल्ड है, आयरन है, तो फिर ये बात है कि कोई ज़्यादा रिजिड होगा, कोई कम रिजिड होगा, समझ गए ना? बट अभी यहाँ हमारा जो कंपैरिजन है सॉलिड का किससे है? सॉलिड में हाईली रिजिड क्या होता है? सॉलिड में हाईली रिजिड सबसे ज़्यादा, रुक जाओ, सॉलिड में हाईली रिजिड, सॉलिड में सबसे ज़्यादा नहीं, आयरन अपन को पता है सबसे ज़्यादा रिजिड जो होता है सोडियम या पोटेशियम में से कोई एक होता है, क्योंकि वो इतने ठोस हुआ करते हैं कि वो टूट जाएंगे मगर फैलते नहीं हैं, शेप चेंज नहीं करेंगे, फूट जाएंगे, समझ गए ना? सॉल्ट नॉन मेटल में आता है, अपने सॉलिड से सॉल्ट जो पाउडर फॉर्म में चला जाएगा है ना, मेटल में तो वो मेटल में नहीं आएगा ना, वो नॉन मेटल्स में चला जाएगा. सॉलिड हैविंग हाई. हाँ बेटा बोलो. सर जो समृद्धि कह रही है सॉल्ट, तो सर वो सॉलिड में ही आएगा ना? सॉल्ट सॉलिड में आएगा बट मेटल्स में नहीं आएगा. अच्छा, है ना, सॉल्ट जो है वो सॉलिड में जाएगा, एग्जैक्टली सॉलिड में जाएगा, ठीक है ना? सॉलिड हैव हाई रिजिडिटी, लिक्विड्स हैव लेस एंड गैसेस हैव नो रिजिडिटी. भाई लिख लेना, इंपॉर्टेंट पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव में कि बताइए किन के पास नो रिजिडिटी होती है, रिजिडिटी होती नहीं है. कहाँ मारोगे हथौड़ा, किस पे मारोगे, किसके शेप चेंज करोगे? गैस का, गैस का शेप चेंज कर ही नहीं सकते हो, गैस कोई पकड़ने वाली चीज़ थोड़ा ना है, है ना? चलिए अब बात करते हैं मूविंग थ्रू. हाँ बेटा, लिक्विड किस में लिखा है? लिक्विड हैव लेस रिजिडिटी. जी हाँ, तो लिक्विड लेस कैसे होती है, उनके पास भी कहाँ होती है लिक्विड के पास रिजिडिटी? देखो जो बात ये होती है कि ये अपने आप लगाए गए रजिस्ट करें डिफॉर्मेशन का, डिफॉर्मेशन का अपोज करें. अब देखो एक लेस मैं बताता हूँ, आप एक बलून के अंदर पानी भर लो, बोलो भर लिया पानी बलून के अंदर? हाँ सर. अब बलून के अंदर पानी भर लिया और एक बलून के अंदर आपने क्या भर लिया? आयरन भर लिया, बोलो यस ऑर नो, बोलो. आयरन का पाउडर भर लिया. यस सर. अब दोनों पर तुमने जोरदार घूंसा मारा, ये बताओ किसका शेप ज्यादा चेंज हो जाएगा? इसका शेप ज्यादा चेंज होगा कि इसका, मतलब आयरन वाले का ज्यादा चेंज होगा कि पानी वाले का? आयरन वाले का. गलत. तो बलून में पानी भरा हुआ है, जिसमें तुम पानी वाले में घूंसा मारोगे तो पानी वाले का शेप ज्यादा नहीं होगा बलून का? लेकिन सर वो वापस उसी शेप में आ जाएगा. अरे तो आना तो दोनों को उसी शेप में है. हाँ बट बलून वाला जो है ज्यादा चेंज होगा कि नहीं होगा? हाँ सर, क्योंकि वो कम रिजिड है और आयरन ज्यादा रिजिड है. आया समझ में? यस सर. कोई दिक्कत? हाँ सर. सो दिस इज कॉल्ड रिजिडिटी. चलिए नेक्स्ट बात करते हैं मूविंग थ्रू. मूविंग थ्रू पढ़ो समृद्धि, व्हाट इज मूविंग थ्रू? एज वी ट्राई टू मूव थ्रू गैसेस एंड लिक्विड्स द पार्टिकल्स मूव अवे फ्रॉम आवर पाथ क्रिएटिंग स्पेस फॉर अस सो वी कैन मूव थ्रू देम. पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड्स कैन नॉट मूव अवे फ्रॉम आवर
पाथ सो वी कैन नॉट मूव. हाँ हम लोग मूविंग थ्रू, हम मूव थ्रू कर सकते हैं किससे, लिक्विड से और गैस से. भाई गैस से तो मूव थ्रू करते हैं, इतनी सारी गैस हमारे आमने सामने भरी हुई है. मेरे को इस कमरे के बाहर जाना है तो गैसेस है ना इस कमरे में बहुत सारी, हम लोग उसको पार करके मूव कर जाते हैं आगे की तरफ. उधर वाला बंदा यहाँ पार करके हमारे पास आ जाता है, मूव थ्रू कर जाते हैं. बट अब आप बात करो कि सॉलिड को यहाँ मैं लोहे की दीवार खड़ी कर दूँ तो बताओ आप इसको पार करके उधर चले जाओगे क्या? नहीं. तो हम लोग सॉलिड को मूव थ्रू नहीं कर सकते, मगर लिक्विड को और गैस को हम मूव थ्रू कर सकते हैं. जिसको तैरना आता होगा वो लिक्विड को भी मूव थ्रू कर लेगा. तो यही मूव थ्रू प्रॉपर्टी है, एज वी आर मूव थ्रू गैसेस एंड लिक्विड, हम लोग गैस और लिक्विड को मूव थ्रू कर सकते हैं. अगली बात है फ्लूडिटी. फ्लूडिटी का मतलब होता है बहने का नेचर, बहने का नेचर फ्लूडिटी. तो बताओ सॉलिड में फ्लूडिटी होगी कि नहीं होगी, क्या सॉलिड फ्लो होंगे कि नहीं? सॉलिड में, सॉलिड में यस. इस सॉलिड को बाहर ही समृद्धि. कौन सा सॉलिड? मर्क्यूरी. पागल मर्क्यूरी सॉलिड नहीं है, मर्क्यूरी लिक्विड है. मर्क्यूरी लिक्विड हुआ करता है, सॉलिड मर्क्यूरी मेटल है, मेटल होने के साथ साथ लिक्विड है. वो तो मैं जो बोलना चाहिए नहीं, सब मर्क्यूरी मेटल है ठीक है ना. तो जो जो बच्चों सॉलिड होते हैं वो फ्लूडेबल नहीं होते, मतलब फ्लूड्स नहीं होते, उनमें फ्लूडिटी नहीं होती है, सॉलिड बहते नहीं है. जैसे आयरन, आयरन को रख दोगे तो आयरन बहेगा नहीं, कॉपर को रख दोगे कॉपर बहेगा नहीं, ये मोबाइल रखा हुआ है मोबाइल बहेगा नहीं, ये कप रखा हुआ है बहेगा नहीं. हाँ हाँ बोलो. रैली बहेगी नहीं लेकिन खिसकने लगेगी अपनी जगह से. देखो अगर टेम्परेचर गर्म करोगे तो खिसकेगी बेटा, नहीं तो कल पहुंच जाओगे अगले दिन तक वहीं की वहीं रखी रहेगी. अब ये डिपेंड करता है कि तुम्हारी जेली, मतलब जेली में शुगर कंटेंट कितना है, जेली स्ट्रांग है कि जेली वीक है. अगर जेली में लिक्विड ज़्यादा है तो मे बी थोड़ा बहुत वो फ्लो कर भी सकती है. चलो खैर, फ्लूड आर सबस्टांसेस विच कैन फ्लो लिक्विड एंड गैस. फ्लूड आर सबस्टांसेज विच कैन फ्लो लिक्विड एंड गैसेज हैव फ्लूडिटी बट सॉलिड डू नॉट हैव फ्लूडिटी. सॉलिड फ्लूड नहीं कर सकते हैं, सॉलिड फ्लो नहीं कर सकते हैं. अब बात करते हैं बच्चों डेंसिटी. अगला टॉपिक लिखिए डेंसिटी. क्वेश्चन बनाओ व्हाट इज डेंसिटी, और इसके पहले दो चार और क्वेश्चन लिख लो. ये तो आपको लिखने ही पड़ेंगे अभी क्लास के बीच में है ना. व्हाट इज रिजिडिटी, व्हाट इज मूविंग थ्रू, व्हाट इज फ्लूडिटी, ओके व्हाट इज डेंसिटी. सर डेंसिटी और वॉल्यूम के बीच में डिफरेंस क्या होता है? बता रहा हूँ. देखो बेटा डेंसिटी, डेंसिटी का मतलब होता है कि गिवन वॉल्यूम में कितना मास रखा हुआ है. डेंसिटी इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम. तो डेफिनेशन लिख लो, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम. डेंसिटी का मतलब होता है कि गिवन वॉल्यूम में कितना मास रखा हुआ है. अब डेंसिटी की मीनिंग समझो बच्चों. जैसे मान लो आपका ये स्कूल का कमरा है और ये स्कूल का कमरा है, ओके. इस स्कूल के कमरे का जो वॉल्यूम है वो है कितना, 1000 मीटर क्यूबिक. मान लो ये स्कूल के कमरे का वॉल्यूम है क्या, 1000 मीटर क्यूबिक. अब स्कूल के कमरे में 40 बच्चे आते हैं, कितने बच्चे, 40 बच्चे. तो अगर 40 बच्चे बैठे हुए हैं तो ऐसा समझो कि 40 बच्चे 1000 मीटर क्यूब में बैठे हुए हैं. तो अब अगर 40 बच्चों की जगह उस कमरे में मैं 400 बच्चे भर दूं, ठूंस ठूंस करके अगर मैं 400 बच्चे भर दूं, तो बताओ पिछली सिचुएशन की तुलना में अब नई सिचुएशन में बच्चों का घनापन, गाढ़ापन बढ़ जाएगा कि कम हो जाएगा? बढ़ जाएगा. समझ गया ना भाई. आप लोग कहते हैं ना कि हमें हमारे बाल घने होने चाहिए, टीवी में एडवर्टाइज आता है. बाल घने होने का मतलब क्या है कि मतलब जो अपना स्केल है, खोपड़ी है, उस खोपड़ी में मान लो ये छोटा सा एरिया है तो इस पर अगर ज़्यादा बाल होंगे तो बालों की डेंसिटी ज़्यादा होगी, अगर 10-15 बाल होंगे तो बालों की डेंसिटी कम होगी. तो डेंसिटी का मतलब होता है घनापन. समझ गए ना, मतलब कितनी ज़्यादा चीज़ें हैं यूनिट वॉल्यूम में, कितनी ज़्यादा चीज़ें हैं. तो डेंसिटी का फॉर्मूला नोट कर लो बच्चों, मास पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब यूनिट वॉल्यूम का जो मास होता है दैट इज कॉल्ड डेंसिटी. युवराज इधर सुनो, तो डेंसिटी का मतलब क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम. पार्टिकल्स इन सॉलिड आर वेरी क्लोजली पैक्ड सो हैव हाई डेंसिटी. इन गैसेस देयर इज अ प्लेंटी ऑफ स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स सो विच ड्यू टू विच लेंस डेंसिटी इज लो. तो अगर हम बात करें डेंसिटी की सॉलिड लिक्विड और गैस की, तो सॉलिड में पार्टिकल बहुत पास पास में होते हैं इसलिए इस बच्चों सॉलिड की डेंसिटी ज़्यादा होती है.
लिक्विड के पार्टिकल दूर दूर होते हैं इसलिए लिक्विड की डेंसिटी कम होती है, और गैस के पार्टिकल सबसे ज़्यादा दूर होते हैं इसलिए गैस नहीं, ऐसा नहीं है, गैस की डेंसिटी होती नहीं है ये तो नहीं कह सकती हो, गैस में डेंस, हाँ डेंसिटी कम होती है ये कह सकते हो कि डेंसिटी जो होती कम होती लो होती है। अब आइए बात करते हैं बच्चों, अगला टॉपिक है डिफ्यूज़न। क्वेश्चन लिखो बच्चों कॉपी में, व्हाट इज़ डिफ्यूज़न, क्वेश्चन लिखिए व्हाट इज़ डिफ्यूज़न, डिफ्यूज़न क्या होता है जान लो भाई। पढ़ो समृद्धि, डिफ्यूज़न क्या होता है। डिफ्यूजन इज द प्रोसेस, डिफ्यूजन इज द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस विद ईच अदर ड्यू टू रैंडम मोशन ऑफ द पार्टिकल्स। इफ अ बॉटल ऑफ अ परफ्यूम इज ओपन इन वन कॉर्नर ऑफ आवर रूम, इट स्प्रेड्स इन द होल रूम बाय डिफ्यूजन। इफ वी ड्रॉप अ लिटिल इंक इन अ बीकर ऑफ वाटर, इट विल स्प्रेड बाय इटसेल्फ इन द बीकर ऑफ वाटर एंड द कलर स्प्रेड यूनिफॉर्मली ड्यू टू डिफ्यूजन। एग्जैक्टली, सो व्हाट इज डिफ्यूजन गाइस, डिफ्यूजन इज द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस विद ईच अदर ड्यू टू रैंडम मोशन। बच्चों जैसे मान लो आपके पास बीकर ऑफ वाटर, वाटर पानी भरा हुआ, ठंडा ठंडा पानी इधर से ऊपर भरा हुआ है, आपने क्या किया यहाँ पर एक लिक्विड ली, यहाँ पर एक इंक ड्रॉप ली और टुप टुप दो बूंदे डाल दी, तो आप डाल दोगे दो बूंदे, बट क्या होगा इस बूंद के अंदर कितने एटम्स हैं, लाखों एटम बच्चों। एक बूंद आपको दिखती ना छोटी सी, उसके अंदर हजारों छोटे छोटे एटम होते हैं, वो एटम क्या करते हैं आपको मैंने बताया लिक्विड के पार्टिकल मूविंग होते हैं, तो चलते 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 कोई यहाँ पहुँचेगा, कोई यहाँ पहुँचेगा, कोई यहाँ पहुँचेगा, कोई यहाँ पहुँचेगा, और जाके वो यूनिफॉर्मली पूरे लिक्विड में जाके फैल जाएंगे। तो ये जो एटम्स का, ये जो मैटर के पार्टिकल का चलना होता है ना, इसी को बोलते हैं डिफ्यूज़न। तो व्हाट इज़ प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस ईच अदर ड्यू टू द रैंडम मोशन। रैंडम मोशन मतलब ये नहीं कि सारे के सारे बोले सर ने ऊपर से बूंद डाली है इसलिए चलो दोस्तों हम सीधे नीचे चलेंगे क्योंकि सर का आदेश है, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। ये लोग यहाँ भी जाएंगे, यहाँ भी जाएंगे, कहीं भी जाएंगे, कहीं भी जाएंगे, जहाँ जहाँ तक लिक्विड फैला है ये वहाँ तक जाएंगे। एग्जाम्पल के लिए आपने किसी रूम के कोने में खड़े होकर के स्प्रे डाला, अगरबत्ती लगा दी या स्प्रे डाला, तो वो स्प्रे ऐसा नहीं कि इधर वाले इंसान को ही मिले, जो इधर होगा उसको भी मिलेगा, जो इधर होगा इसको भी मिलेगा, इवन स्प्रे पीछे वाला बंदा जो स्प्रे मार रहा है ना, मैं स्प्रे मार रहा हूँ, वो मेरे को भी उसकी स्मेल आएगी क्योंकि हर जगह वो पार्टिकल्स मूव होंगे। ओके तो ये बात अभी बताई समृद्धि ने कि इफ़ अ बॉटल ऑफ परफ्यूम इज़ ओपन, अगर परफ्यूम की बॉटल को हम ओपन कर देते हैं एक कॉर्नर ऑफ रूम पे, तो स्प्रेड पूरे रूम में फैल जाता है। इंक वाला एक्सपेरिमेंट देख लिया, चलो भाई अगला एग्जांपल देखते हैं। क्वेश्चन एक्टिविटी आपके एग्जाम की, डिफ्यूज़न ऑफ ब्रोमीन इन एयर। ओके, ब्रोमीन क्या है बच्चों, ब्रोमीन गैस है, ब्रोमीन एक गैस है, ब्रोमीन एक गैस है, और उसको हम देखते हैं कि ये एयर में कैसे डिफ्यूज़ होगी। पढ़ो समृद्धि, अ गैस जार, अ गैस जार ऑफ ब्रोमीन एंड अ जार ऑफ एयर आर प्लेस्ड सेपरेटेड बाय अ कवर प्लेट, द कवर प्लेट इज रिमूव्ड सो दैट द टू ओपन एंड्स ऑफ द जार आर इन कांटेक्ट, द ब्रोमीन गैस स्प्रेड्स डिफ्यूजेस रैपिडली इनटू द एयर टू प्रोड्यूस अ यूनिफॉर्म रेडिश ब्राउन कलर इन बोथ जार्स एज वी कैन सी इन फिगर बी। ओके, अब देखो भाई क्या हो रहा है इसमें, समझो क्या है, जैसे मान लो ये एक ब्रोमीन भरी हुई है और एक इसके अंदर एयर भरी हुई है। ओके, ब्रोमीन भरी हुई है, एयर भरी हुई है, तो जैसे ही ऊपर वाला ढक्कन मैं हटाऊंगा, इसका हटाऊंगा, इसका हटाऊंगा, ओके, तो ये दोनों गैसेस कहाँ निकलेंगी, बाहर की तरफ निकलेंगी, मतलब ये वाली एयर भी इसके अंदर आएगी, इधर आएगी चैम्बर के अंदर, और ये भी इसके अंदर चैम्बर के अंदर आएगी, तो दोनों गैसेस आपस में मिलेंगी, दोनों गैसेस आपस में क्या होंगी, मिलेंगी। इसके अलावा ये पार्टिकल चलते चलते कुछ कुछ इसके अंदर भी पहुँच जाएंगे, बोलो हाँ, वो तो खुला है ना, तो यहाँ भी, और उसके अलावा यहाँ वाले पार्टिकल चलते चलते उसके अंदर भी पहुँच जाएंगे। अब याद रखना, जब भी ब्रोमीन जो होती है वो एयर के कांटेक्ट में आती है, किसके कांटेक्ट में, एयर के कांटेक्ट में, इसमें जो होता है रेडिश ब्राउन कलर की गैस बनती है, जब भी ब्रोमीन एयर के कांटेक्ट में आती है तो रेडिश ब्राउन कलर, तो इस तरीके से दोनों जार, जब भी गैस इसकी जाके इसमें मिलेगी, इसकी जाके इसमें मिलेगी, तो ये जार नंबर वन है, ये जार नंबर टू है, तो दोनों जार के ऊपर रेडिश ब्राउन कलर का सेंसेशन आपको मिलेगा। तो सेंसेशन मिलने का मतलब एयर से ब्रोमीन मिल रही है और ब्रोमीन से एयर मिल रही है, दोनों एक दूसरे के अंदर जा रही है, समझ में आ गया, क्यों समृद्धि, क्लियर हो गया, यस। तो ये है अपना ब्रोमीन का एक्सपेरिमेंट, तो ये दोनों मिलते हैं तो रेडिश ब्राउन कलर, हाँ रेडिश ब्राउन इफेक्ट मिलता है, फॉर्मेशन होता है, एग्जैक्टली। और ब्रोमीन जूस में कहाँ, ब्रोमीन, हाँ बेटा कुछ पूछ रहे हो, यस हेलो, यस बेटा मैंने पूछा आपको समझ में आ गया,
नो सर, आई वांटेड टू आस्क दिस ओनली, कैन यू रिपीट इट? ओके बेटा, इसको मैं रिपीट कर देता हूँ। इसमें ये सीन दिया गया है बेटा कि यहाँ पर एक आपके पास एयर का जार है और एक आपके पास ब्रोमीन का जार है। तो जब दोनों के ढक्कन हटाओगे तो ब्रोमीन वाली गैस एयर के अंदर जाएगी, एयर वाली गैस ब्रोमीन के अंदर आएगी, और जब दोनों गैस मिलती हैं, इनके पार्टिकल्स आपस में मिलते हैं रैपिडली इनटू द एयर टू प्रोड्यूस, यहाँ पर क्या होगा, रेडिश ब्राउन कलर प्रोड्यूस होता है। तो दोनों जो जार हैं वो रेडिश ब्राउन कलर के आपको दिखाई देंगे। चलिए ये हो गया। ओके अब देखिए एक्वेटिक एनिमल की बात करते हैं। पढ़ो समृद्धि, एक्वेटिक एनिमल्स। एक्वेटिक एनिमल्स टेक ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर द सर्वाइवल बिकॉज ऑफ द डिफ्यूजन फिनोमेना। ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंस इन एयर डिफ्यूजेस इन वाटर एंड डिजॉल्व्स इन इट। एक्वाटिक एनिमल्स इनसाइड वाटर कैन टेक दीज डिजॉल्व्ड गैसेस फॉर देयर सर्वाइवल। एग्जैक्टली, कितनी अच्छी प्रोसेस है, देख लो भाई। यहाँ पे कही जा रही है कि जो आपके पास जो एयर पार्टिकल होते हैं, मतलब ऑक्सीजन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, इसमें एक्वेटिक एनिमल टेक ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम देयर सर्वाइवल बिकॉज ऑफ द डिफ्यूजन। तो ये जो वाटर हुआ करता है, वाटर के अंदर ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज हो जाते हैं, मतलब मिक्स हो जाते हैं वाटर के अंदर, और यही वाटर के अंदर की ऑक्सीजन को जो अपने फिश वगैरह होते हैं ना, एक्वेटिक एनिमल्स, वो लोग इसी डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन को प्राप्त करके जिंदा रहते हैं। नाइट्रोजन होता होगा बट यहाँ पे यूज नहीं है, समझ गए ना, बट यहाँ पे इसका यूज नहीं है। तो लिखा है एक्वेटिक एनिमल्स टेक ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर देयर सर्वाइवल बिकॉज ऑफ द डिफ्यूजन फिनोमेना। ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन द एयर डिफ्यूजेस इन टू द वाटर एंड डिजॉल्व इन इट। मतलब जो बाहर एयर में जो प्रेजेंट रहती है कौन कौन सी गैस, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, वो पानी में जाके डिफ्यूज हो जाती है, और ज़रूरत पड़ने पर फिर ये जो एक्वेटिक एनिमल होते हैं ये डिजॉल्व गैसेस का यूज़ ब्रीदिंग के लिए, है ना, सांस लेने के उनके सर्वाइवल में करते हैं। अब चलिए अगली प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, प्रेशर। देखेंगे कि प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ता है। पढ़ो बेटा प्रेशर। टेक अ कंटेनर, टेक अ कंटेनर फिल्ड विद गैस, द टिनी पार्टिकल्स ऑफ गैस कोलाइड विद वॉल्स ऑफ कंटेनर व्हाइल डूइंग रैंडम मोशन। ड्यू टू दिस प्रेशर इज एक्सर्टेड ऑन वॉल्स ऑफ कंटेनर्स। इफ टेम्परेचर ऑफ गैस इज हाई, पार्टिकल्स मूव फास्टर एंड एक्सर्ट मोर प्रेशर ऑन वॉल्स। पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड्स कैन बी एक्सर्ट प्रेशर एज दे कैन बी डू रैंडम मोशन एज टेम्परेचर इंक्रीजेस प्रेशर इंक्रीजेस। ओके, एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट ये है कि आप जो है, वैसे एक्सपेरिमेंट ऐसा तो होता नहीं है, मगर फिर भी मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ कि आप जो है अपने मुंह में फुला लो, अपने मुंह को जितना फुला सकते हो फुला लो। फुला लिया, बस समृद्धि फूट ना जाना बेटा, आराम से ये फुला लिया आपने मुंह को, और जितनी मुंह के अंदर एयर थी ये आपने एक बलून में ब्लो कर दी, वन टाइम बस पूरी ब्लो कर दी, हवा निकल गई, हमारा मुंह पिचक गया। ये सीन नंबर वन। सीन नंबर टू, ये बलून के अंदर ब्लो करिए, अब देखना। तो बताओ ये बलून के साथ क्या होगा, फूल जाएगा कि नहीं फूलेगा? फूलेगा। चारों तरफ से फूलेगा कि केवल एक तरफ से फूलेगा? चारों तरफ से फूलेगा। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलो, इतना जितना बलून आपने मुंह में एयर भरी थी उतना ही पानी भर लो। अब इसके बाद उस पानी को बलून के अंदर डाल दो। डाल दिया, अब ये बलून फूलेगा या एक कॉर्नर में जाके पानी इकट्ठा हो जाएगा तो लटक सा जाएगा? अब तीसरा, ये तीसरा बहुत कठिन है। जितना आपने हवा भरी थी, जितना आपने बलून भरा था, उतना जा करके आप कोई सॉलिड पार्टिकल, सॉलिड की डस्ट, सॉलिड की कोई डस्ट, एग्जाम्पल के लिए खाने वाली चीज़ रखो, खाने में क्या आती है सॉलिड डस्ट, पंजीरी, भगवान जी की पूजा बनती है ना पंजीरी, आटे का हलवा के टाइम में सूखा आटा भर लो, चलो भर लिया सूखा आटा, और उसको डाल दो उसके अंदर, तो बताओ बलून चारों तरफ से फूलेगा कि नहीं फूलेगा? इतना सा आके अटक जाएगा। एग्जैक्टली, तो आप इसके बारे में विचार करो, ये जो आपने ब्लो किया था हवा के बारे में, तो हवा चाहे थोड़ी सी भी फेंकोगे ना, मगर वो बलून को चारों तरफ से, भले छोटा सा बलून फुलाएगी मगर वो चारों तरफ से बलून को फुलाएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि हवा के जो पार्टिकल होते हैं, गैस के पार्टिकल, वो मोशन करते हैं और लगातार ये हिट करते हैं दीवार को, मगर सॉलिड के पार्टिकल ऐसा नहीं करते, इसलिए सॉलिड में बलून लटक जाएगा।
समझ में आ गया ना। बट हवा के पार्टिकल जो होंगे वो कंटिन्यूसली क्या करेंगे, हिट करेंगे, समझ गया ना। इसलिए जब ये हिट करेंगे सरफेस के ऊपर तो ये क्या लगाएंगे सरफेस पर, प्रेशर लगाएंगे। क्या लगाएंगे? प्रेशर। तो सबसे ज़्यादा प्रेशर कौन एग्जर्ट करेगा बताओ, सॉलिड करेगा, लिक्विड करेगी कि गैस करेगी? गैस करेगी। इसीलिए हम इस्तेमाल करते हैं प्रेशर कुकर का। किसका इस्तेमाल करते हैं? प्रेशर कुकर का। और ये प्रेशर जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे बच्चों, तो ये टेम्परेचर बढ़ाने से ये प्रेशर बढ़ जाएगा। देखो लिखा हुआ है, इफ़ टेम्परेचर ऑफ द गैस हाई, पार्टिकल मूव फास्टर एंड मोर प्रेशर ऑन द वॉल्स। अगर आप गर्म करोगे तो प्रेशर और बढ़ेगा, यही होता है प्रेशर कुकर में। प्रेशर कुकर में दाल को पकाने के लिए क्या करते हैं अपन, प्रेशर कुकर के ऊपर ढक्कन लगा देते हैं, बोलो हाँ। और ढक्कन लगाने के बाद इसको गैस के ऊपर रख देते हैं। अब जैसे गैस जलती है अंदर प्रेशर, वैसे ही हवा बनती है, हीट वो बनती है स्टीम, तो स्टीम प्रेशर डालेगी, बट ये गैस के कारण वो प्रेशर और बढ़ता जाता है और उस प्रेशर की वजह से आपका खाना जल्दी से पक जाता है। समझ में आ गया ना। तो गैस जो होती है ना अंदर स्टीम, वो प्रेशर लगाया करती है। गैस चालू नहीं करोगे तो भाप नहीं बनेगी, तो कहाँ से प्रेशर लगेगा फिर? तो आपकी वाटर, एग्जैक्टली स्टीम कैसे बनेगी? वाटर से ही तो बनेगी, स्टीम ही तो वाटर, वाटर ही तो स्टीम बनाएगा ना। तो स्टीम बनाने के लिए आपको वाटर तो डालना पड़ेगा, समझ गए ना। तो वाटर डालोगे तभी तो स्टीम बनेगी। बोलो बच्चों समझ में आया कि नहीं आया? बलून वाले में हम बलून को गर्म नहीं कर सकते, हमारी मजबूरी है, नहीं तो बलून पिघल जाएगा। हर जगह एक ही टाइप का साइंस अप्लाई नहीं होगा। बोलो बच्चों समझ में आया कि नहीं आया? सो दिस इज कॉल्ड प्रेशर। चलिए तो ये हो गया प्रेशर वाला कंसेप्ट, ठीक है बच्चों। तो अब आपको इतना मुझे लिख करके दिखाना है, यहीं पर क्लास अभी मैं रोकता हूँ, आपको मुझे इतना करके दिखाना है। कल की क्लास में कंटिन्यू करेंगे मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है तो इसको मैं कल कंटिन्यू कराऊंगा। दिस इज मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। अब आपको क्या करना है, अब आपको जल्दी से मुझे इसके नोट्स बना के क्लास में भेजने हैं। तो चलो स्टार्ट करो और नोट्स बनाओ।